बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन अब चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए तो भी वह यात्रा पर आ सकता है, उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।